हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स इन शॉर्ट्स पे। हर रोज की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है जेके हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 23 जूनियर असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 25,500 रुपये से लेकर 92,300 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका जम्मू एंड कश्मीर होगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर के जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो रिसर्च असिस्टेंट के लिए 3 वैकेंसी है, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 5 वैकेंसी है, जबकि जूनियर असिस्टेंट के लिए 15 वैकेंसी है। अगर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर पोस्ट वाइज एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो रिसर्च असिस्टेंट के लिए आपका ग्रेजुएशन इन लॉ किया होना जरूरी है। वहीं स्टेनोटाइपिस्ट के लिए आपका डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन किया होना जरूरी है। अगर जूनियर असिस्टेंट पोस्ट की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात की जाए तो रिसर्च असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 40,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक है 1 अप्रैल 2023 से पहले तक, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर पोस्ट वाइज एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो रिसर्च असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपकी आयु 33 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं स्टेनोटाइपिस्ट और जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपकी आयु 18 से लेकर 42 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो रिसर्च असिस्टेंट पोस्ट के लिए सारे कैंडिडेट्स को देने होंगे 200 रुपये। वहीं मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगा। अगर बात कर लेते हैं बाकी अदर पोस्ट की तो इसके लिए सारे कैंडिडेट्स को देने होंगे 500 रुपये। वहीं मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगा। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये केवल इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 17 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 16 मई 2023 तक चलेगी। वहीं अगर पोस्ट वाइज इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो रिसर्च असिस्टेंट के लिए आप 20 अप्रैल 2023 से लेकर 10 मई 2023 तक आवेदन कर सकोगे। वहीं स्टेनोटाइपिस्ट और जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए आप 17 अप्रैल से लेकर 16 मई तक आवेदन कर सकोगे। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।